हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन मैथिल फॉर्मन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 11F ऑफ योर बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो देखिए, ये एक्सरसाइज थी जो ये ऑप्शनल थी, और मैंने आप सभी बच्चों को बोला था कि अगर आपको इसको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में 11F लिखिए। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट जो है उस वीडियो के नीचे आए थे, तो उसी पे बेस्ड जो है अपने इस एक्सरसाइज को आज कर रहे हैं स्टार्ट। तो देखिए, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिसाइड वेदर द थ्री नंबर्स इन ईच पार्ट बिलो फ्रॉम अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, यस और नो, इसमें आपको आंसर देना है। आंसर देने से पहले आपको इन्हें करना पड़ेगा सोल्व। तो सोल्व करने के लिए देखिए, इसकी जो फॉर्म होती है वो होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं ए पार्ट की। तो ए पार्ट है अपने पास 5, 6 एंड 8। तो यहाँ पर अपने कर देते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है या नहीं अपने को देखना है। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। तो यहाँ से अपने ऐड कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पर ये अपना होता है 11 कैरी 1, ये हो जाएगा 61 और यहाँ पर है 64, सो इट्स नॉट इक्वल। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। इसी तरह इसी का अपने करते हैं बी पार्ट, जहाँ पर आपके पास है 8, 15 एंड 17। तो यहाँ से देखिए 8 का स्क्वायर सिंपली यहाँ पर अपन लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64, 15 का 225 और 17 का 289। तो यहाँ पर इनको ऐड करते हैं, देखिए 64 प्लस 225 ये हो गया 289। तो 289 इज इक्वल टू 289, तो ये आपके पास हो गया यस, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब यहाँ से अपने बात करते हैं यहाँ पर सी पार्ट की। तो सी पार्ट आपके पास है 10, 25 एंड 32, 10, 25 एंड 32। तो 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर। तो देखिए, हमारे पास जो 10 का स्क्वायर होता है ये होता है हमारे पास 100, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 32 का स्क्वायर अपने कर लेते हैं 32 इंटू 32 करके, ये आपके पास होता है 1024। तो यहाँ से देखिए, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 725 और ये है आपके पास 1024, दैट इज नॉट इक्वल। तो ये आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपने बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट देखिए आपके पास है 30, 40 एंड 50। तो यहाँ से अपने देखिए करते हैं, यहाँ पर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। तो देखिए 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो यहाँ से अपने दोनों को कर देंगे ऐड, एडिशन करने पर ये आपके पास हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू 2500। तो यहाँ पर आपके पास जो ये डी पार्ट है, डी आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स यस। और फाइनली अपने बात करते हैं ई और एफ पार्ट की। तो ई आपके पास है यहाँ पर 9, 12 एंड 15, ठीक है। ई है आपके पास 9, 12 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225।
तो इनको कर देते हैं ऐड, 81 + 244 ये हो गया 225। और यहाँ से देखिए ये भी आपके पास है 225, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यस। ठीक है, और फाइनली इसके एफ पार्ट की बात करें जो कि आपके पास है, देखिए 7, 9 एंड 11, 7, 9 एंड 11। तो 7 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर = 11 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। तो इनको कर देते हैं हम ऐड, ऐड करने पर देखिए 50 एंड 80 ये हो जाएगा 130, और यहाँ पर है 121। इट इज़ नॉट इक्वल, तो इट्स नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अपने को इसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो वो फॉलो जरूर करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अपने यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं ए। तो यहाँ पर देखिए ए आपके पास है 6, बी आपको फाइंड आउट करना है और सी आपके पास है 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर + b का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ से देखिए 10 का स्क्वायर 100। तो 36 यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड में जाएगा, हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 36। तो 100 - 36 करने पर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो हमें देखिए फाइंड आउट करनी है वैल्यू बी की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ पर बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बी की बात करें, बी पार्ट में है आपके पास 16 एंड 20, मतलब ए आपको फाइंड आउट करना है, बी 16 और सी 20। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर तो आपको फाइंड आउट करना है, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 16 का स्क्वायर, 16 × 16 256। तो यहाँ से अपने कर देंगे इसको माइनस, तो ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, देखिए माइनस करने पर (144). नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने पर यहां पर ए की वैल्यू आपके पास आ गई 12, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए सी पार्ट की अपने बात करें, यहां पर सी में आपके पास है 9, 12, ठीक है 9, 12, और सी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से देखिए 9 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर = c स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 = c स्क्वायर। तो यहाँ पर c स्क्वायर आपके पास आ गया स्टूडेंट, देखिए ऐड कर देंगे यहाँ पर, (225). नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने पर यहां पर आपके पास सी आ जाएगा 15, एंड दिस इज योर आंसर। सी के बाद देखिए डी, डी आपके पास है 10 एंड 24, और सी आपको फाइंड आउट करना है, 10, 24 और सी। ठीक है, तो वही आपके पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर।
10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, एडिशन करने पर ये हो जाएगा 676, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 676। तो यहां से हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहां से आपके पास जो सी है वो आ जाएगा 26 एंड दिस इज योर आंसर। डी के बाद यहां पर हम बात करें ई पार्ट की, तो ई पार्ट में देखिए 15 एंड 25 आपको गिवन है। 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हमने अभी सीखा, यहां पर ये आपके पास 225, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 225। तो यहां से देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब 400 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 20 का। तो स्क्वायर रूट लेने पर आपके पास जो बी है वो आपके पास आ जाएगा 20 एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। एंड फाइनली अपने यहां पर एफ की बात करें, तो देखिए एफ है आपके पास 15 एंड 36, और ये है आपका होमवर्क फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन अपने को कैसे करना है, इसका आंसर आप लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट अपने यहां पर देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बाय टेकिंग एम और एन आपकी वैल्यू गिवन है। आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। जब भी एम और एन की वैल्यू गिवन हो तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, एक तो 2mn होता है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले अपने फाइंड आउट करते हैं देखिए 11 और 6 के लिए। तो 2mn, 2mn का मतलब 2 इंटू 11 इंटू 6, तो 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 6 तो ये आपके पास हो जाएगा 132, ठीक है। उसके बाद एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहां से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। सिमिलरली एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 121 प्लस 36, ऐड करने पर ये आ जाएगा 157। तो यहां से देखिए वैल्यू अपने यहां पर पुट कर देते हैं 132, 85 एंड 157। नेक्स्ट आपके पास है 12 एंड 4, तो सिंपली यहां पर अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई 12 एंड 4 का, तो 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 ये आपके पास हो जाएगा 96, ठीक है, 24 इंटू 4 96। उसके बाद देखिए यहां पर आपको यहां पर करना है 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 128। अगेन 144 प्लस 16, एडिशन करने पर आपके पास आ जाएगा 160, तो ये आपके पास हो गया 96, 128 एंड 160। नेक्स्ट आपके पास है 15 एंड 9, ठीक है। तो 15 एंड 9 को आपने करना है यहां पर मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 9 होता है 135, 135 इंटू 2 ये हो गया 270, ठीक है। और यहां पर देखिए फिफ्टीन का स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर, फिफ्टीन का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर, फिफ्टीन का स्क्वायर 225 माइनस 81, तो माइनस करने पर ये आपके पास आ गया 144, ठीक है। और फिफ्टीन का स्क्वायर मतलब 225 प्लस 81 ये आपके पास आ गया 306, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 270, 144 एंड 306। नेक्स्ट देखिए 16 एंड 3, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 2mn का मतलब 16 इंटू 3,
तो 16 × 3 ये आपके पास होता है 48, 48 × 2 तो यहां पर देखिए आपके पास 48 × 2 96। उसके बाद देखिए 16 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए 16 का स्क्वायर 256 अभी अपने ने किया था, 3 का स्क्वायर होता है 9 256 प्लस 9, तो 256 माइनस 9 ये हो गया 247 और ये आपके पास देखिए माइनस को ऐड करने पर 265 तो ये हो गया 96 247 एंड 265। एंड अब देखिए 14 एंड 13, तो यहां से देखिए 14 एंड 13 को करना है मल्टीप्लाई, 14 एंड 13 यहां पर देखिए 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 364। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर अपने बात करें 14 का स्क्वायर ये होता है 196, 13 का स्क्वायर 169, तो यहां से देखिए माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 27। उसके बाद देखिए इन्हें अपने ऐड कर देंगे 196 प्लस 169 तो ऐड करने पर आ जाएगा 365, तो ये आपके पास हो गया 364, 27 एंड 365 स्टूडेंट्स। तो इसी के स्टूडेंट्स आपके ये क्वेश्चन 3 जो हो चुके हैं कंप्लीट, इसका एफ पार्ट और रहा हुआ ये भी अपने कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास है 16 एंड 14। ठीक है, तो इसको कर देते हैं, देखिए 2 × 16 × 14 यहां पर आपके पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर देते हैं, देखिए 16 × 14 तो ये अगर 224 × 2 और करना पड़ेगा तो 448, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 448। उसके बाद देखिए 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 14 का स्क्वायर 196, तो ये आपके पास हो जाएगा 60। ठीक है, माइनस करने पर, और यहां पर देखिए 256 प्लस 196 तो ऐड करने पर ये हो जाएगा 452, तो ये आपके पास जो ट्रिपलेट बनेगा ये बनेगा 60 एंड 452। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज है 11F जो कि ऑप्शनल थी, बहुत सारी स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट थी उस रिक्वेस्ट पे अपने ने इसको कर दिया है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन ना हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको मैं कंप्लीट करूंगा।